CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। पाठ 8, ऐसे ऐसे, पृष्ठ संख्या 49। पात्र परिचय। मोहन एक विद्यार्थी, दीनानाथ एक पड़ोसी, माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी, वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसन। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। एक ओर रेडियो का सेट है, दो ओर दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। माँ पुचकार कर, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंटशन तो नहीं खा लिया? पृष्ठ संख्या 50। पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़गड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ रही हैं। पिता, अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराकर, माँ, ओ माँ। माँ, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लोट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती, हींग चूरन पेपरमेंट सब दे चुकी हूं। वैद्य जी आ जाते। पृष्ठ संख्या 51। तभी फोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उठाते हैं। पिता, यह 4-3-3-3-2 है। जी जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे, यह ऐसे ऐसे क्या बना है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है, नाचा नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया? जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा, आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। मोहन जोर से कराहता है, मोहन, माँ माँ, ओ ओ। उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया है, दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कभी पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। पृष्ठ संख्या 52।
दीनानाथ। अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहां वहां हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा, मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूं, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराकर, अरे रे रे रे, ओह। माँ घबराकर, क्या है बेटा क्या हुआ। मोहन रुआंसा सा, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है। मोहन, ऐसे ऐसे। पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी, कहाँ है मोहन। मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूं, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है। नाड़ी दबाकर, वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोलकर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है, क्यों बेटा। हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराकर, जी हाँ, ओह। पृष्ठ संख्या 53। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूं, मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से, आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, दो तीन दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट। नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं, मोहन कराहता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है, तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूं, चेहरा बताता है इसे काफी दर्द है, असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ कांपकर, फोड़ा। डॉक्टर, जी नहीं वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है, हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं दवा भेजता हूँ। पिता से, क्यों ना आप ही चलें, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी, कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं, मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। पृष्ठ संख्या 54। माँ, सेंक तो दूं डॉक्टर साहब। डॉक्टर दूर से, हाँ गर्म पानी की बोतल से सेंक दीजिए।
डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं, वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खा कर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओह मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। मास्टर, सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर, हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। पृष्ठ संख्या 55। मास्टर, माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूं, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच, क्या बीमारी है यह? मास्टर, अभी बताता हूं। मोहन से, अच्छा साहब, डर तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं। मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। पृष्ठ संख्या 56। मोहन, जी सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, जी। मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंककर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छुपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग। पिता से, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता, हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। लेखक विष्णु प्रभाकर। पृष्ठ संख्या 57। प्रश्न अभ्यास एकांकी से। एक, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उस पर एक फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। दो, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। तीन, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं, ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। अनुमान और कल्पना। एक, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया
और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी। 2. पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढाला हो गया है या बहुत कमजोर हो गया है लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी हैं, जैसे इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। 3. मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो, तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। 4. संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए, ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे, कक्षा में करके बताओ। पृष्ठ संख्या 58। ऐसा होता तो क्या होता। मास्टर, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन हां में सिर हिलाता। मोहन, जी सब काम पूरा कर लिया है। इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होता, लिखो। भाषा की बात। क, मोहन ने केला और संतरा खाया। ख, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। ग, मोहन ने क्या खाया। घ, मोहन केला और संतरा खाओ। यहां दिए गए वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है, बाकी 3 वाक्य सुनने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है, इसलिए उसे निषेध वाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ नहीं या मनाही होता है। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। आगे एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी 3 रूप तुम सोचकर लिखो। बताना, रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। नहीं या मना करना। पूछना, आदेश देना। अभी आप सुन रहे थे ये पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।